नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मुहाना मंडी में है और हम हैं राजधानी ट्रेडिंग कंपनी भूरी भाई के पास। प्याज में क्या माहौल बना है, कितनी आवक रही, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। प्याज की क्वालिटी आपको दिखा देते हैं, प्याज देख सकते हैं क्वालिटी एमपी वाला, महाराष्ट्र वाले, हल्की क्वालिटी के, ये ठीक ठाक माल देखने को मिल रहे हैं। चलिए जानते हैं आज का अपडेट। वैसे अपडेट आपको बताते, ग्राहकी बिल्कुल भी नहीं है, माल पूरी तरह से भरा हुआ है मंडी में, देख सकते हैं। कैसे हो सर? हाँ ठीक है यादव जी, आप सुनो। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज प्याज में क्या माहौल बना? माहौल बिल्कुल ठंडा है भाऊ जी, बिल्कुल दुकानदारी ठंडा, कमजोर है, दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं है, ग्राहकी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही, सिर्फ प्याज और व्यापारी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई यही नजर नहीं। पोजीशन है। क्या कल हमारी इधर सब्जी मंडी बंद रहती है ना, बिल्कुल महीने की सब्जी फ्रूट बंद रहता है 31 तारीख को, उसकी वजह से आज यहाँ ग्राहकी कमजोर है। अच्छा जी, अच्छा। ग्राहकी वैसे भी प्याज में कमजोर है, थोड़ा सा 2-3 रुपए ऊपर नीचे होने से बजार में ग्राहक एकदम रुक गया, जिसके बाद पहले का माल पड़ा है ना, तो ग्राहक जब तक वो पहले का माल नहीं बेचेगा, नहीं सुलटाएगा, उससे पहले आगे लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लग रहा है कि भाई प्याज हर दिन 1-2 रुपए डाउन आ रहा है। जैसे ही 1-2 रुपए बढ़ना चालू होता है तो ग्राहक 10 कट्टे वाला भी 100 कट्टे खरीद के रख लेता है, बिल्कुल उसको ये लगता है यार और महंगा होगा। महंगा जैसे ही 2 रुपए डाउन होता है उसके दिमाग में ये आ जाता है यार कहीं और कम नहीं हो जाए, कहीं और कम नहीं हो जाए, इस वजह से ग्राहकी कम है। बिल्कुल सर। और सर जैसे पीछे भी जैसे आवक है वो भी, हाँ वो आवक क्या है, किसान एकदम मंडियों में जैसे ज्यादा तो आवक लिमिटेड आती रहे, बजारों में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जैसे आवक एमपी वाले बढ़ाते हैं बजारों में उसी तरीके से बाजार सब जगह हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे लगता है एमपी वाले अभी खतरनाक खेल खेलेंगे मार्केट में। चलो जी जो भी होगा, किसी के पास माल है तो किसान को तो देखो माल बेचना ही है, वो क्या करेगा, उसके घर में माल है तो वो तो बेचेगा ही, उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बाजार बढ़िया हो गया तो माल तो बेचेगा, किसान क्या करेगा, किसान को भी तो पैसे की जरूरत है ना। बिल्कुल। कोई घर में ताला लगा के रखने की चीज थोड़ी है, अनाज थोड़ी है, वो ताला लगा के रख लेगा, आखिर में उसको बेचना तो पड़ेगा, बेचना तो पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। पर ये है कि सर थोड़ा थोड़ा निकालते रहे, हाँ तो बस, बस 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 बस, थोड़ी समझदारी से काम। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जहाँ 40-45 हजार कट्टे आते थे वहाँ 90-95 हजार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डबल माल, फिर वो मंडियों में ही माल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मंडियों में जाता है तो 2 रुपए दब जाती है, अभी माल कम हो जाए तो 2 रुपए तेज हो जाए, ये है बात। बहुत बढ़िया। तो सर आज नासिक वाला क्या चला? वही 40 रुपए के, बढ़िया टॉप में आज 40 पकड़ लो, जो 42 बिक रहे थे वो टॉप की पोजीशन 40 हो गई है, नीचे में 35, 36, 37, 38 जैसा, 35 रुपए से 40 रुपए। बहुत बढ़िया। और एमपी वाले सर? एमपी वालों की पोजीशन है 30 से 35 रुपए किलो। बिल्कुल सर। और अपने राजस्थान वाले सर? राजस्थान भी बहुत 30 से 40, और ऐसे कोई एमपी में भी सुपर लाट है वो भी बिकता है, 40 रुपए बिक जाता है। हाँ कोई लाट बिक जाता है एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बाकी ज्यादा पोजीशन 30 से 35 है एमपी वालों की। तो सर किसान भाइयों को क्या करना, क्योंकि घबराहट में मुझे लगता है ये। अब देखो किसान अपने विवेक से काम करे, अपन कुछ भी कहेंगे कोई मतलब नहीं है, किसान को जो भी करना है वो अपने विवेक से काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। हर मंडियों की रिपोर्ट जाती है, हर मंडी आवक की रिपोर्ट, आजकल हर चीज मोबाइल पे आती है, हर किसान का बच्चा पढ़ा लिखा है, पहले वाला जमाना नहीं रहा कि किसान का कोई बुजुर्ग थे पहले, ठीक है आज सब बच्चे पढ़े लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अपने विवेक से काम करो, अपने उससे चलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों रेट पूरा हो गया, रेट कम नहीं है ये भी रेट? हाँ बिल्कुल सर। हाँ कोई 10-15-20 रुपए किलो तो हम भी कहें आराम आराम से लाओ, अभी अपने विवेक से काम करो भैया। बहुत बढ़िया सर। तो सर अपना मोबाइल नंबर 98-290-66-324, राजधानी ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर 26, मुहाना मंडी, जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद।